आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मोदी के हर नाम कुछ भी हो, लेकिन गरीब लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्वतंत्रता दिवस पर आएगी या नहीं, हम सीधे इंदुभूषण जी से पूछ लेते हैं जो इस पूरी स्कीम के सर्वे सर्वा हैं। सर, सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल, क्या 15 अगस्त से माना जाए कि आज़ादी के साथ ही इसका लॉन्च होगा? देखिए, इसमें बस 12 घंटे बचे हैं, तो वेट करते हैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं। जी, 12 घंटे बचे हैं, इसका मतलब 12 ही घंटे बचे हैं फिर। देखिए, ऐसा है कि जब लोग पूछते हैं मुझसे कि कब लॉन्च हो रही है, तो मैं सवाल को थोड़ा सा अजीब सा मानता हूँ, क्योंकि ये देखिए, जब 50 करोड़ लोगों तक किसी सुविधा को पहुँचाने की बात है, वो ऑन ऑफ से नहीं हो सकता है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें लाखों लोग लगे हुए हैं, तो ये पूरी एक कंटिन्यूम है। तो इसका काम तो करीब 4 महीने पहले शुरू हो गया था, तो एक तरह से जो स्कीम थी जब लॉन्च हुई थी 1 फरवरी को बजट के माध्यम से, तभी लॉन्च हो गई, तब से तो हम लोग उसको प्रिपेयर करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और मेरा मानना ये है कि कल प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ एक रूपरेखा बताएंगे कि कब तक हम हर एक नागरिक तक और हर एक चयनित नागरिक तक इस स्कीम को पहुँचा सकते हैं। सरकार के ही अलग अलग महकमों से हमें खबर आ रही है, जाहिर है वो इसी डिपार्टमेंट से आ रही होंगी, कि 2020 तक पूरा कवर कर लिया जाएगा जो योजना है गरीब लोगों के लिए, और शुरुआत में 5 से 10 करोड़ का टारगेट रखा गया है, ये बात कितनी सही है? 5 से 10 करोड़ फैमिलीज और लोग फैमिलीज़, तो 10 करोड़ फैमिली तो हमारी इस योजना में शामिल है, इसका मतलब कि 50 करोड़ लोग हुए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस योजनाएं हैं, जैसे कि CGHS है या और ESI है, तो उसके माध्यम से भी काफ़ी लोग कवर्ड हैं। और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि जो हमारी योजना है उससे अधिक लोग कवर्ड हैं, तो अगर आप उन सबको मिला के देखें तो 18 से करीब 19 करोड़ परिवार ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगे जब हमारी स्कीम लागू हो जाएगी, तो दैट इज़ अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। और उसके अलावा जो 30% बचेगी उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तो जो अभी हमारा लक्ष्य है 10 करोड़ का, वही काफ़ी अधिक है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा इस समय जो इमीडिएट टारगेट है वो ये है कि अगले 2-3 साल में पूरी तरह से इन परिवारों को हम लोग जो सुविधा देना चाहते हैं वो पूरी सुविधा दें, और जो हमारा पूरा सिस्टम है वो अच्छी तरह काम करे, उसके बाद का जो चरण होगा वो देखा जाएगा। बहुत बड़ी योजना है, उतना ही बड़ा बजट भी है। जब फरवरी में लॉन्च हुई तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, तो वो फीजिबिलिटी कैसे आएगी? जैसे 20 राज्यों की अभी सहमति है, कुछ भार राज्यों पर है, कुछ केंद्र पर है, आप इसको ज़मीन पर उतरने में क्या क्या दिक्कतें आज की तारीख में देख रहे हैं? देखिए, ज़मीन पे उतरने में वित्तीय जो भाग है वो तो बिल्कुल भी कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा चाहिए होगा हमको अपनी केंद्र की तरफ से, उसके लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो हम लोगों को कंस्ट्रेंट है वो है कि इसको गांव-गांव तक, आखिरी माइल तक पहुंचाने का, और उसके लिए जो IT प्लेटफॉर्म है उसको तैयार करने का, उसके लिए जो हमारे आयुष्मान मित्र हैं जो कि आखिरी कड़ी रहेंगे हमारी योजना और बेनिफिशरी के बीच में, उनको तैयार करने का, तो उस पे काम कर रहे हैं हम लोग, और उसको रोल आउट करने में कुछ टाइम लगेगा। और जहाँ तक कि पैसे का सवाल है, वो तो सरकार अगर चाहती है कि जो हेल्थ सेक्टर है वो प्रायोरिटी सेक्टर है, तो उसको तो हम लोगों को पैसा एलोकेट करना पड़ेगा। और एज इट इज़ हमारे देश में जो स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग एलोकेट करते हैं वो इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, तो उसको तो बढ़ाना ही चाहिए। और हमारी सरकार का ये उद्देश्य भी है कि अगले कई सालों में, इस समय हम लोग करीब 1 से 1.5% ऑफ GDP खर्च करते हैं, और बाय 2025 वी वांट टू रीच 2.5%, और 2.5% ऑफ द इंक्रीज GDP, हमारी GDP भी 6 और 7% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, तो अगर हम इसका जो भाग है बढ़ाएं ना, तब भी 6 to 7% हमारा बजट बढ़ना चाहिए, और अगर उसको और बढ़ाएं तो ये तो 15-20% बढ़ना चाहिए। तो
जहाँ तक फाइनेंसिंग का सवाल है वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है और इम्प्लीमेंटेशन है, क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दो ज़्यादा इश्यूज़ जहाँ पे कि हमको ध्यान देना है।